नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म में। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। भोले के जय घोष के साथ सावन के पावन महीने की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। अब एक महीना शिव के नाम कर दीजिए, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। लेकिन सावन में ही अगर माँ गौरी की भी आराधना की जाए तो शिव और शक्ति से विशेष कृपा मिलेगी। और माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास दिन है सावन का मंगलवार, क्योंकि इस दिन माँ मंगल गौरी की आराधना के लिए शुभ माना जाता है। सावन के महीने में जिस तरह से भगवान शिव की पूजा का महत्व है, ठीक उसी तरह से सावन में ही माँ गौरी की पूजा उपासना का भी विशेष फल मिलता है। अतिशय तेरी सुंदरता दर्शन से जी नहीं भरता। सावन के महीने में माँ मंगला गौरी की उपासना से भक्तों को अपार सुख मिलता है। खास तौर से अविवाहित लड़कियों पर माँ मंगला गौरी अपनी विशेष कृपा बरसाती है। चलिए हम आपको माँ मंगला गौरी के विषय में बताते हैं, साथ ही आपको उनकी पूजा का महत्व भी समझाते हैं। सावन में भगवान शिव के अलावा माँ गौरी की भी विशेष कृपा मिलती है। इसके लिए सावन के मंगलवार को माँ गौरी की उपासना की जाती है। सावन में माँ गौरी की पूजा मंगलकारी मानी जाती है, इसलिए इस पूजा को मंगला गौरी कहा जाता है। सावन के मंगलवार को माँ गौरी की उपासना से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। माँ की कृपा से वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। मंगल दोष अगर समस्या दे रहा हो तो इस दिन की पूजा बहुत लाभदायी होती है। माँ मंगला गौरी की उपासना उन लड़कियों को जरूर करनी चाहिए जो अभी तक विवाह सुख से वंचित रह गई हो या किसी कारण विवाह में बाधा आ रही हो, तो सावन में मंगलवार को माँ मंगला गौरी की उपासना से ये समस्या दूर हो सकती है। सावन के मंगलवार को सुबह या शाम माँ गौरी की पूजा करें। उनके सामने घी का एक बड़ा चौमुखी दीपक जलाएं। माँ को 16 फूल या 16 तरह के फूल चढ़ाएं। माँ गौरी को लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाएं। माँ को लाल रंग की चुनरी और लौंग अर्पित करें। इसके बाद माँ के सामने ओम ह्रीं गौरी नमः का जाप करें। जाप के बाद जल्द ही विवाह हो जाने की प्रार्थना करें। शादी अगर ना हो रही हो तो किस तरह से माँ मंगला गौरी की उपासना करनी है, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन तब क्या हो जब वैवाहिक जीवन में ढेरों बाधाएं हो, पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर ना हो और आपसी संबंध अच्छे ना हो, तो चलिए हम आपको इसका भी एक खास उपाय बताते हैं। शाम को माँ गौरी की पूजा करें। माँ गौरी के सामने घी के 3 दीपक जलाएं। इसके बाद माँ के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। माँ को इत्र अर्पित करें और 16 इलायची चढ़ाएं। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का 11 माला जाप करें। इलायची को अपने पास रखें और प्रसाद की तरह ग्रहण करें। इन उपायों को मंगला गौरी की पूजा उपासना में किए जाने से माँ मंगला गौरी आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगी। माँ मंगला गौरी की उपासना से आपको जीवन का हर सुख मिल सकता है। वैवाहिक सुख के मामले में माँ मंगला गौरी विशेष वरदान देती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि संबंध टूटने के कगार पर पहुँच जाता है। ऐसे हालात बन गए हैं तो माँ मंगला गौरी की उपासना बेहद फलदायी होती है। हम आपको उससे जुड़े उपाय बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसा माना जाता है कि देवी मंगला गौरी की उपासना से वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शादी में आ रही अड़चन भी देवी मंगला गौरी की कृपा से दूर हो जाती है, क्योंकि माँ मंगला गौरी मंगल करने वाली हैं। तो कैसे प्रसन्न करना है देवी माँ को, आइए आपको बताते हैं।
सुयोग्य वर का वरदान देंगी माँ मंगला गौरी। सुख में जीवन प्रदान करेंगी माँ मंगला गौरी। माँ मंगला गौरी की कृपा से होगा अमर सुहाग। वैवाहिक सुख मिलना आसान नहीं होता, कई बार अलग अलग वजह से परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन हालात तब ज्यादा खराब हो जाते हैं जब संबंध टूटने की कगार पर पहुंचने लगे। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं काफी बढ़ चुकी हों, वैवाहिक संबंध टूटने की नौबत आ गई हो और तमाम कोशिशों के बावजूद रिश्ता दोबारा न जुड़ पा रहा हो, तो माँ मंगला गौरी की उपासना से आपके जीवन में होगा मंगल ही मंगल। कैसे, आइए देखते हैं। आधी रात में माँ गौरी की पूजा करें। भगवान शंकर और माँ गौरी की संयुक्त पूजा करें। भगवान शंकर और माँ पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। माँ गौरी को सुहाग का सामान जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी अर्पित करें। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः का 11 माला जाप करें। जाप के बाद वैवाहिक जीवन के सुधार की प्रार्थना करें। माँ मंगला गौरी की कृपा से जीवन की हर बाधा, हर मुश्किल आसान हो सकती है। सच्चे मन और नियम संयम से माँ की उपासना आपकी जीवन बगिया में हरियाली ला सकती है। बस आप माँ को मनाने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। इसके लिए संध्या काल में माँ गौरी की पूजा करें। माँ गौरी के सामने घी के 3 दीपक जलाएं। इसके बाद माँ के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। माँ को इत्र अर्पित करें और इलायची चढ़ाएं। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 11 माला जाप करें। तो अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं ज्यादा बढ़ चुकी हों और रिश्ता टूटने की नौबत आ गई हो, तो सावन के मंगलवार को किए जाने वाले ये उपाय आपकी सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इन प्रयोगों को इस तरह से करने पर टूटता वैवाहिक संबंध भी जुड़ जाता है। माँ मंगला गौरी अपने भक्तों के सुख का पूरा ख्याल रखती है और वैवाहिक संबंधों को हर हाल में बचाने का आशीर्वाद देती है। माँ मंगला गौरी की उपासना से जुड़ी और भी रोचक और कल्याणकारी बातें हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। आप देखते रहिए धर्म। ब्रेक के बाद धर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं माँ मंगला गौरी की उपासना और पूजन विधि। ऐसा माना जाता है कि मंगला गौरी व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन शिव पार्वती के साथ ही श्री हनुमान की भी आराधना की जाती है। सावन में मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी की उपासना परम कल्याणकारी है। इस दिन किए जाने वाले उपाय और पूजन सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। कुमारी कन्याएं योग्य जीवन साथी के लिए और शादीशुदा महिलाएं सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए खास तौर पर इस दिन माँ मंगला गौरी की उपासना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत का विधान बताया गया है। इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन माता मंगला गौरी की पूजा फलदायी मानी जाती है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस दिन को विशेष माना जाता है। इस दिन शिव पार्वती और हनुमान जी की आराधना करें। पूजन के बाद मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से एक एक माला जाप करें। शिव मंत्र ओम ह्रीं कामदाय वप्रियाय नमः शिवाय। मंगला गौरी मंत्र ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाम नाशाय स्वाहा। हनुमान मंत्र क्रौं बीजात्मा नयनयो पातु माम वानरेश्वरः हतं हनुमते नमः। इन उपायों और मंत्र जाप से शिव पार्वती और प्रभु हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और विवाह बाधा से मुक्ति मिल जाती है। धर्म के आज के संक में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।